drugs! Yes, to life! No drugs! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! No drugs! Yes, to life! No drugs! Yes, to life! No drugs! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! No drugs! No drugs! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! Stop! Yes. Stop! Yes. Stop! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! No drugs! Yes, to life! No drugs! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! No drugs! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! No drugs! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! Stop! Yes! No drugs! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! No smoking! Yes, to life! Yes, to life! I pledge to love you. A life without drugs. And alcohol. Regardless. Of peer pressure. I would like to go. School. Drugs. Alcohol. Or cigarettes. Because I can make. My dream is. Come true. Believe. In myself. I pledge to learn about the harms of drugs and work towards a drug drink. That's in the card. I believe. ये नशा मुक्त अभियान तहसील एडमिनिस्ट्रेशन खाग ने आज ऑर्गेनाइज किया था और बच्चों को साथ लेकर हमने हायर सेकेंडरी के से शुरू करके ये रैली निकाली ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले, लोगों में अवेयरनेस फैले कि ये जो नशा है हमारा यूथ नशे की तरफ लगा हुआ है, इनको वहाँ से लौटाएं, किसी तरह किसी और काम में लगा दे। नशा हमारा, ये हमारा यूथ ख़राब हो रहा है नशे की वजह से। इसके खिलाफ़ हमने ये अभियान चलाया यहाँ, जो कामयाब रहा। हमने पूरे खाग तहसील का ये खाग जो हेडक्वार्टर है मार्केट में लगाया ये राउंड एक बच्चों को लेकर और पूरा अभियान चलाया इस नशे के ख़िलाफ़। आपको पता होगा कि पूरी यूटी में और इस डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में भी इस नशा मुक्त अभियान का जो दौर चल रहा है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए इसके नशे के जो मुज़िर असरात हैं ज़िंदगी पर। और आज हमने हायर सेकेंडरी स्कूल खाग से अपने बच्चों समेत इसमें शिरकत की ताकि लोगों को खबरदार किया जाए कि इस नशे के क्या हमारे लिए नुकसान हैं और हम कैसे इसे बच सकते हैं। जी देखिए, आज तहसील एडमिनिस्ट्रेशन खाग की जानिब से नशा मुक्त अभियान का प्रोग्राम चलाया गया, जो हायर सेकेंडरी बच्चों के साथ इन्होंने कोलाबरेट करके यहाँ पे प्रोग्राम इनाकाद किया, जिसमें हायर सेकेंडरी के बच्चों ने हायर सेकेंडरी से लेकर ब्लॉक ऑफिस तक एक रैली निकाली और लोगों को अवेयरनेस के हवाले से बात की ड्रग्स के हवाले से। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि वादी कश्मीर में 6 लाख से ज़्यादा लोग अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा खासा प्रोग्राम है। ये हर एक जगह, हालांकि ये खाग में ही नहीं होना चाहिए बल्कि जितने भी हमारे यहाँ के फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि यूथ अभी काफ़ी डिप्रेस में है, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी है, कहीं कोविड की वजह से है, बाकी सारे रीजंस भी इसमें हो सकते हैं। लेकिन हमारी यही मैसेज रहती है, हम अक्सर इन्हीं ड्रग्स के हवाले से ही काम करते हैं और हम अक्सर अपने इन प्रोग्राम्स के हवाले से ही अक्सर आप लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जो लोग ड्रग्स या एंटी सोशल या इमोरल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते रहते हैं उनको स्पोर्ट्स फील्ड में आना चाहिए, स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि उनको एजुकेशन के फील्ड में आना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उनको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, वादी कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वादी कश्मीर के जो जवान हैं, यहाँ के जो युवा है, वो दुनिया में कहीं पर भी लोहा मनवा सकते हैं। और हमारी यही मैसेज रहेगी, जो लोग ड्रग्स और बाकी गलत चीज़ों में मुब्तला होते जा रहे हैं और वो इनसे बाज आ जाए। और एक बार मैं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का खाग का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे SHO खाग और BMO खाग का और तहसीलदार साहब का, जिन्होंने फुल फ्लज टीम हमें प्रोवाइड की थी इस प्रोग्राम के हवाले से। और ऐसे प्रोग्राम्स डिफरेंट एरियाज़ में होने चाहिए, फार फ्लंग एरियाज़ में भी होने चाहिए।